अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूँ शहपर, और आज का डेट है 1 अगस्त। आज ये है 1 अगस्त, और आज मैं सुबह से काफ़ी डाइट फील कर रही थी, तो मैंने आज कंप्लीट रेस्ट किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत ही इजी वे में ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गई थी। हमेशा मैं सुबह मतलब कपड़े धो लिया करती थी, बट आज मैं नहीं धोई। मैंने अभी धो के उसे ड्राई करके ड्राई करूँगी, अभी जाके अभी धो दिया है, सिर्फ ड्राई करना बाकी है, मतलब से फैला लूँगी। तो आज बहुत लेजी डे था मेरा, कभी कभी हो जाता है। अगर आप बहुत थके हुए फील कर रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को रेस्ट दें, तो वही किया आज मैंने। चलते हैं फिर। मैं आज का वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं यूट्यूब में किस तरह मेकअप करती हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह मेकअप करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल है, बस 4 चीज़ों से आप इजीली मेकअप कर लेते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप लवर नहीं हूँ, मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ, ना मैं करती हूँ ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मैं बहुत सिंपल सा मेकअप करती हूँ। और अगर आप डेली व्लॉग कर रहे हो तो आप हेवी मेकअप नहीं कर सकते। कोई अगर रेसिपी आपको शेयर कर रहा है और मेकअप वीडियोस बना रहा है तो उनको मेकअप करना ज़रूरी होता है, उनको मेकअप करने आता भी है। जबकि मैं तो डेली वीडियो बना रही हूँ, कभी भी मुझे हमेशा कैमरा लेके बोलना पड़ता है, तो मैं मेकअप इतना कर नहीं सकती। कभी कभी आप मुझे मेरे वीडियो में मेकअप करते हुए दिखेंगे, लेकिन हमेशा नहीं। तो ऐसे मैं मेकअप ज़्यादा करती भी नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी मैं अगर मेकअप करके आई तो मैं किस तरह मेकअप करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं घर जो कपड़े का काम है, जो काम थोड़े मोड़े बचे हैं वो मैं क्लीन कर लेती हूँ और कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद में आती हूँ। सारा काम करके मैं आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किस तरह मेकअप करती हूँ। बहुत कम चीज़ों से मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बट यूट्यूब के लिए थोड़ा सा तो आपको तैयार होना ही पड़ता है। तो मैं कैसे मेकअप करूँ वो मैं दिखाऊँ, मैं क्या क्या चीज़ लिया वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है ब्रश, और ये है लैक्मे का पीच मिल्क यूज़ करती हूँ हमेशा, और ये मैं नया लेकर आई हूँ वाइट टोन। और इसका पैकिंग मैं दिखाना चाहूँगी, चेंज हो गया है, पहले अलग था अभी थोड़ा चेंज हो गया है। ये इस तरह का पैकिंग में आ गया है, और ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आप अपने फेस को थोड़ा सा चिकना करना चाहती हैं और स्वेटिंग ना हो, कहीं जा रही हैं मार्केट, तो ये बेस्ट है। मैं इसको ही यूज़ करती हूँ, हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ये कोई रिव्यू नहीं है किसी भी ब्रांड का, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वही चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ काफ़ी हवा चल रही है, मेरे सामान ऐसे हिल रहे हैं जो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मैं वॉश करके आई हूँ, और ये मैंने सबसे पहले लिया है लैक्मे का पीच मिल्क, इसको मैं अपने फेस में अप्लाई कर लूँगी। ज़्यादा मैं झंझट नहीं करती हूँ, बस तो हाथ में लिया और इसको हल्का हल्का मसाज कर लिया। मैं अभी अप्लाई कर लिया है लैक्मे का पीच मिल्क क्रीम, और अभी मैं ये ले लूँगी पाउडर। तो इस ब्रश की
हेल्प से मैं पाउडर को मिक्स कर लूंगी। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है पाउडर। अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ काजल। बहुत कम टाइम आप देखिएगा मुझे काजल लगाते हुए। अब मैं लास्ट चीज़ जो है वो है लिपस्टिक, वो मैं अप्लाई करूँगी। तो पहले लिपस्टिक लगाने से पहले मैं आउटलाइन ले लेती हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। ये है मेरा YouTube वीडियो बनाने से पहले का मेकअप। तो मैं कभी कभी इस तरह का मेकअप करती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।